दोस्तों, जब आप स्मार्टफोन खरीदते हो तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक्सेसरी कौन सी है? जी हाँ, आप कहोगे कि केस है, लेकिन केस के बाद कोई होती है और जो आप एक्टिवली इस्तेमाल करते हो वो है या तो ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ये सब होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं और सभी लोग खरीदते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं लेकिन उसके साथ ईयरफोन्स या हेडफोन्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ आपका डिसीजन बेहतर करने के लिए कि भाई कौन सा टाइप का आपने ईयरफोन लेना चाहिए या फिर हेडफोन लेना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए जब आप खरीदते हो। ये सब चीज़ें आज बताऊँगा आपको। जी हाँ, दिस इज़ अ बाइंग गाइड फॉर ईयरफोन्स, हेडफोन्स, जो भी आप खरीदने वाले हो। तो देखते रहिए सो दैट यू कैन मेक अ परफेक्ट डिसीजन। लेकिन दोस्तों, गाइड चालू करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो के सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किस टाइप के ईयरफोन्स आपने बाय करने चाहिए, आप किस चीज के लिए वो कंफर्टेबल है आपको, आप कितना टाइम इस्तेमाल करते हो, इस बेसिस पे आपने डिसाइड करना चाहिए कि आपने इन ईयर ईयरफोन्स लेने चाहिए या फिर ओवर द ईयर ईयरफोन्स लेने चाहिए या फिर ओवर द ईयर हेडफोन्स लेने चाहिए या फिर ऑन ईयर हेडफोन्स लेने चाहिए। अलग अलग प्रकार के हैं। इन ईयर आपको पता है जो कान के अंदर बैठते हैं, ओवर द ईयर्स आपको पता है कि जो कान के ऊपर बैठते हैं, छोटे होते हैं लेकिन कान के ऊपर बैठते हैं, और जो ऑन ईयर है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, हैवी होते हैं लेकिन पूरा कवर करते हैं आपका कान और जिसकी वजह से आपको जो आवाज़ है बहुत अच्छी तरह से सुनाई देती है। तो इन ईयर किसने लेने चाहिए जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ईयरफोन्स को? जी हाँ, दिन में से 6-7 घंटा का यूज़ करते हैं, उन्होंने इन ईयर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होगा कि आपके साथ हैं। तो इन ईयर ईयरफोन्स are better for those. Noise cancelling करते हैं वो थोड़ा बहुत क्योंकि कान के अंदर बैठते हैं, but the most important thing is कितना usage करते हो। अगर आप 6-7-8 घंटे on ear headphones इस्तेमाल करोगे आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इन ईयर ईयरफोन्स। ऑन ईयर हेडफोन्स जो है वो किसने लेने चाहिए? बेसिकली अगर आप ऑफिस में वगैरह काम करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, ऐसे जगह पे आप 1-2 घंटा उसको डालते हो, फिर निकालते हो, डालते हो, निकालते हो, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस म्यूजिक का जो है वो चाहिए तो आपने ऑन ईयर ईयरफोन्स लेने चाहिए। और नॉइस कैंसलिंग के बारे में बात करें तो ओवर द ईयर हेडफोन्स जो होते हैं इतने अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि जो कुशन्स होते हैं और आपका कान होते हैं उसके बीच में डिस्टेंस आता है, आजू बाजू का जो एम्बियंट साउंड है वो आपको सुनाई देता है। इसलिए अगर शांत जगह पे आप सुनते हो तो ऑन ईयर हेडफोन्स जो है आपके लिए अच्छे हैं। और ओवर द ईयर हेडफोन्स जो है वो किसने इस्तेमाल करने चाहिए? जिनको एक म्यूजिक का एक्सपीरियंस चाहिए, जिनको आजू बाजू का बिल्कुल भी आवाज नहीं आना चाहिए और सबसे ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस जो ऑडियो को देते हैं उनके लिए ये है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया आपको दोस्तों, ये हैवी होते हैं क्योंकि बड़े भी होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक आप एक ही टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। वैसे दोस्तों, जो हमें अच्छे लगते हैं हर एक प्राइस सेगमेंट में उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर जाके देख सकते हो। वायर्स वाले किसने लेने चाहिए एंड वायरलेस किसने लेने चाहिए? एक बात याद रखिए दोस्तों, ऑलवेज प्रीफर वायर्स। क्यों? क्योंकि ऑडियो क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, सस्ते होते हैं, बैटरी वगैरह चार्ज करने की जरूरत नहीं है, सो दे आर ऑलवेज वर्किंग, दे आर ऑलवेज ऑन। अगर आपको वायर्स का प्रॉब्लम है, वायर्स नहीं चाहिए, ईज ऑफ यूज चाहिए, तो आप वायरलेस के पास देख सकते हो, बट चार्जिंग कंटिन्यूसली आपको करनी पड़ेगी, जितनी भी बैटरी होगी एक दिन जाएगी, शाम को फिर से चार्ज करो, अगर चार्ज नहीं होगा आप यूज नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी डिग्रेड हो जाती है जब आप वायरलेस यूज करते हो तब। ड्राइवर साइज, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपकी जो ऑडियो है कितना अच्छा आएगा। जितना बड़ा ड्राइवर साइज उतना ज्यादा अच्छा ऑडियो आएगा, जनरली दिस इज अ थंब रूल। और दूसरी बात, किसी ईयरफोन्स हेडफोन्स में मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं क्योंकि एक बेस के लिए होगा, एक ट्रेबल के लिए वगैरह होगा, और भी ज्यादा अच्छा ऑडियो आपको आएगा अगर मल्टीपल ड्राइवर्स होंगे। लेकिन याद रखिए, जितने बड़े ड्राइवर्स, जितने मल्टीपल ड्राइवर्स, उतना ज्यादा कॉस्ट। और हाँ दोस्तों, आपको बोल दूं, अगर आपने वायर्ड ईयरफोन्स लेने हैं, आपको लेने हैं, तो किस टाइप का जो केबल है वो आपने देखनी चाहिए, मतलब टैंगल वगैरह नहीं होनी चाहिए, ब्रेड होगी तो ज्यादा अच्छा, और अच्छी होनी चाहिए,
पतली होगी तो वो टूट जाएगी, थोड़ी आप खींचोगे किधर अटक जाएगी तो टूट जाएगी। तो केबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेन रीजंस को सभी ईयरफोन्स जो है वो खराब होते हैं कि वायर टूट जाती है, खराब हो जाती है, या फिर अंदर के जो वायर्स है वो बाहर आ जाते हैं। तो वायर क्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी तक तो 3.5mm जैक वाले ईयरफोन्स आते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे आते हैं जिसमें USB टाइप सी होता है। यस, बहुत सारे स्मार्टफोन्स ने 3.5mm जैक गायब कर दिया है, जिसकी वजह से आपको अगर वायर्ड ईयरफोन से सुनने हैं तो USB टाइप सी में डालना पड़ता है और फिर सुनते हो। तो उतना ध्यान रखिए कि भाई कौन सा ले रहे हो आप, USB टाइप सी या 3.5mm। एंड फाइनली दोस्तों, उसका मटेरियल कौन सा होता है? जी हाँ, प्लास्टिक के वगैरह जो ईयर ड्रम्स होते हैं या फिर केसिंग होती है, जनरली प्रिफर कीजिए कि वो मेटल के हो। वुड के हो तो और भी अच्छा, लेकिन उतने ज्यादा टिकेंगे नहीं, लेकिन ऑडियो ज्यादा अच्छा आएगा। अगर मेटल का ड्रम होगा, मेटल का केसिंग होगा, तो ऑडियो जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से आपको आएगा, उतना जरूर देखिएगा। और अगर ऑनलाइन खरीद रहे हो तो हमारे जैसे चैनल्स पे आइए, रिव्यूज देखिए, क्या हम कहते हैं उसके पास ध्यान दीजिए, और सिर्फ एक ही नहीं, अलग अलग चैनल्स पे देखिए और उसके बाद में आपका डिसीजन लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा दिन भर इस्तेमाल करते हो, ईयरफोन्स हो, हेडफोन्स हो, ध्यान रखिए कि उसमें माइक है, इनलाइन माइक वगैरह, ताकि आप म्यूजिक सुन रहे हो, बाहर से फोन वगैरह आ गया तो आप ले पाओगे, बात भी कर पाओगे। अगर माइक नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद में फोन से फोन वगैरह लेना पड़ेगा, तो उतना ध्यान दीजिए। वैसे आजकल सभी ईयरफोन्स या हेडफोन्स में माइक होता है, लेकिन क्वालिटी क्या है इसके पास भी ध्यान दीजिए। वैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं जो हमारे टॉप पिक्स हैं अलग अलग प्राइस सेगमेंट में, तो वो भी जरूर जाके देखिएगा। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो ईयरफोन्स हेडफोन्स बाइंग गाइड का? अगर अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।